व्हाट्स अप एंड वेलकम एवरीबॉडी इन द न्यू वीडियो। तो अभी मेरे साथ बहुत बड़ा पॉपअप हुआ था, अभी मैं वीडियो बना रहा था और वीडियो यार उसमें ना वॉइस ही ऑफ थी तो उसको मुझे डिलीट करना पड़ा क्योंकि वो वाली वीडियो थोड़ी दूसरी थी। उसके बारे में वो तो बात की बात है, वो तो गई, अब मैंने उसमें जो भी बोला वो सारी बातें गई। लेकिन आज की इस वीडियो में भाई हम लोग आप सभी लोगों के लिए जो लेकर आए हैं आज भाई, ये आप सभी लोगों को चौंका के रख देने वाला है। जी अगर यानी कि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक RDP का ऐप, जो कि आप सामने स्क्रीन पर ही देख सकते हैं कि किस तरीके से ओपन हो चुकी है एक एप्लीकेशन में एक RDP यानी रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। तो यार लिटरली आज तो दोस्तों जो पीछे भी वॉइस आती थी उसके लिए सॉरी, लिटरली मेरी दादी थी वो। तो दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं, RDP कैसे बनाए ना है ना उसके बारे में जानते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये मेरी होम स्क्रीन है, पहले तो इसकी ब्राइटनेस कम कर देता क्योंकि मैं रूम में बैठा हूँ, पहले छत पर था अब रूम में आ गया हूँ। तो यहाँ पर लिटरली हमको ब्राइटनेस अच्छी खासी देखने को मिल रही है, तो बेमतलब में कोई फ़ायदा नहीं है। ओके तो अब करेंगे क्या, देखो मैं आपको सिंपल सी स्टेप बता रहा हूँ। मैंने एक एप्लीकेशन को क्रिएट किया है, उसका लिंक मैं आपको दूंगा अगर इस वीडियो पे हो जाते हैं 100 likes, वो एप्लीकेशन आप तक पहुँच जाएगी। तो चलो उस एप्लीकेशन को मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि ये वाली वो एप्लीकेशन है। यहाँ पर मैंने इसका नाम ऐप ऑन फ्लाई फ्री रखा हुआ है। तो इस एप्लीकेशन के साथ आप अगर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो भाई आपका भाई बहुत ज़्यादा अच्छा काम हो जाएगा। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको स्टार्ट ट्रेल के बटन पे बस क्लिक करना है और कुछ नहीं करना। स्टार्ट ट्रेल के बटन पे आप क्लिक करोगे, लुकिंग फॉर अ ट्रेल मशीन होगा और आप लोग सीधा रीडायरेक्ट हो जाओगे एक भाई PC के ऊपर, ठीक है, जिसके अंदर आप चाहो तो वॉच टाइम कंप्लीट करो, आप चाहो तो कुछ भी कंप्लीट कर सकते हो। ये देखो 1 घंटा आपकी चलेगी, 1 घंटे के बाद फिर दूसरी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसको ओपन करके, तो ये ओपन हो चुकी है भाई, देखो कितनी फास्ट ओपन हो चुकी है, ठीक है। अब अगर चाहते हो कि इसको और अच्छे से चलाया जाए, इसको इसका जो यहाँ पर देखो इसको ऐसे क्लिक करके तुम्हें टच करना है, तुम चाहते हो कि इसको ऐसे मूव करके चलाया जाए अच्छे से, तो इसके लिए तुम्हें AWSN एप्लीकेशन और डाउनलोड करनी है और तुम्हें क्रोम ओपन करना है और इधर सेटिंग के आइकन पे क्लिक करके टेक्स्ट इनपुट पे क्लिक करना है और तुम्हें मैं बताता हूँ तुम्हें सारे स्टेप क्या फॉलो करने हैं। तो ऐसी मज़ेदार वीडियोज़ तुम्हें हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो AWSN रिमोट डेस्कटॉप आपको लिखना है इस RDP के अंदर और यहाँ पर आपको स्क्रोल डाउन करना है और यहाँ पर आपको एक्सेप्ट करना है और आपको डाउनलोड बटन पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको स्क्रोल डाउन करना है, जबकि यहाँ पर इंग्लिश वाली मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ सिंपल से। यहाँ पर सब कुछ इंग्लिश में हो चुका है, तो यहाँ पर गलती से अलग वेबसाइट ओपन हो चुकी है भाई, इसको कट करते हैं 1 सेकेंड। यहाँ पर मैं डाउनलोड फॉर फ्री पे क्लिक करूँगा, आपको भी यहीं पे क्लिक करना है डाउनलोड फॉर फ्री पे। आपको नीचे आना है, विंडोज़ आपको सिलेक्ट रखनी है और आपको सिंपल से 64-bit वर्जन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसको यहाँ पर ओपन करना है आप लोगों को, मैं आपको सारा स्टेप बता रहा हूँ। इंस्टॉल नाउ पे आपको क्लिक करना है और एप्लीकेशन आपके अंदर इधर एप्लीकेशन के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी आपकी जो RDP है, ठीक है। यहाँ से आप चाहो तो रिफ़्रेश करके दूसरी भी बना सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, आपको सारा स्टेप हो जाएगा। आपको इंटर नाउ के बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपके सामने कोड आ जाएगा, इस कोड को बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पर आपको कस्टम पासवर्ड में जाना है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, कस्टम पासवर्ड पर आपको आना है और यहाँ पर आपको पासवर्ड डाल देना है कुछ भी, जैसे मैं अपना नाम डाल देता हूँ Rohan100 डाल रहा हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ पर 109 डाल गया है, कोई बात नहीं। ये जो कोड है ना, इस कोड को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, देखते हैं कॉपी होता है कि नहीं, क्योंकि भाई ये तो उस PC के अंदर कॉपी होगा ना, फ़ोन के अंदर तो शायद ही कॉपी होगा, लेकिन करके देखते हैं शायद हो भी जाए। नहीं हुआ भाई, पता है मेरे को, मैंने सारा सेलेक्ट ऑल कर रखा है, कॉपी हो जाए भाई, नहीं होगा गाइस। ये इसको ना ऐसे स्क्रीन में रखना है, AWSN ऐप आपको डाउनलोड करना है, अकाउंट से एक लॉग इन कर लेना है इसको भी, जैसे मैंने भी एक अकाउंट से लॉग इन कर लिया। अकाउंट बनाना बहुत आसान है भाई। उसके बाद आपको सेकेंड ऑप्शन कनेक्ट पर आना है, आपको यहाँ पर देखो कोड्स मैंने बहुत सारे कोड्स डाले हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपको आना है और उस कोड को यहाँ पर डालना है, जैसे 045, यहाँ पर मैं कोड डाल देता हूँ 045,
413 और 040 है, ठीक है 040। इसके बाद यहाँ पर आपको डालना है इसके अंदर गाइस, यहाँ पर वही वाला पासवर्ड, मैंने 109 पासवर्ड डाला था। कनेक्ट बटन पे क्लिक करने के बाद अक्वायरिंग डिवाइस यहाँ पर आपका आ जाएगा, रोकास्टिंग ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन डाटा एंड प्रिपेयरिंग टू रिमोट डेस्कटॉप डिस्प्ले, ये हो गया। अब आप इसको एक रिमोट डेस्कटॉप की तरह यूज़ कर सकते हो बहुत ईजी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। अब आप इसको मूव कर सकते हो और सेटिंग्स के लिए आपको नीचे भी सेटिंग्स मिल जाएंगे। आप चाहो तो स्क्रीन रिकॉर्ड वगैरह सब कर सकते हो, यहाँ पर आप इसका पिक्चर ले सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, सब कुछ आप इसके अंदर ईजिली कर सकते हो। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम लोग इसको यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, इसकी स्पीड आपको नॉर्मल मिलेगी 70 से 80 मेगाबिट्स के बीच में मिलेगी, और हाई स्पीड के लिए कोड आने वाला है बहुत जल्दी, तो कोड के लिए वेट करो, क्योंकि जो बंदे भाई कोड के लिए वेट कर रहे हैं ना, मेरे को पता है भाई। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं स्पीड टेस्ट, नहीं नहीं हम यहाँ पर जो है गेम डाउनलोड करके देखते हैं। तो यहाँ पर गेम्स पीसी और गेम्स 33 की वेबसाइट पर जाएंगे हम लोग, गेम्स 33 की वेबसाइट है एक बहुत कमाल की। यहाँ पर पहले तो फिर इसको यहाँ पर इंग्लिश करना पड़ता है, एक दो बार आपको इंग्लिश करना पड़ेगा यार, यहाँ पर इसकी थोड़ी लैंग्वेज दूसरी होती है भाई, क्योंकि अदर कंट्रीज़ की यहाँ पर RTP होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये ओपन हो चुका है भाई साहब, यहाँ पर मैं एक्शंस गेम पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो कितनी स्मूथ जो है वर्क कर भी रही है, ये नहीं है कि यहाँ पर ये गेम बैक कर रही है या कुछ कर रही है, भाई गेम को रहने देते हैं। अब इसकी सेटिंग चेक कराऊँ, ज़्यादा मेमोरी नहीं है इसकी, 1 GB इंस्टॉल है बस। ट्रस्टेड माइक्रोसॉफ्ट, अरे भाई साहब जिसका डर था वही हुआ। चलो यहाँ पर हम लोग अपना लिख लेते हैं भाई इसका, यहाँ पर हम लोग टाइप करते हैं माई पी सी यार माई पी सी व्यू यूअर पी सी नेम आपको मिल जाएगा इंस्टॉल। यहाँ पर आप लोग देखो 1.46 GB यहाँ पर आपको रैम इंस्टॉल मिलेगी, ये आपको प्रोसेसर्स मिलेंगे उसके साथ में, आपको यहाँ पर और जो भी आपको देखना है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। 64 बिट आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा एंड भाई ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यार आज के लिए बस इतना ही, होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ यार इस वीडियो को एक लाइक करें, और अगर आप लोग इस एप्लीकेशन को चाहते हो कि आप लोग भी इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में ले पाएँ, तो भाई बहुत ही जल्द इसका लिंक आ जाएगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आप इस वीडियो को सपोर्ट करते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय टाटा।